नंदनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अमेजोन स्पेशल हॉल, जिसमें कि मैंने आपके लिए आज चूज़ किए हैं पार्टी वियर्स आउटफिट। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। अच्छा, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, फर्स्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये ना आपको मजेंटा कलर में मिल रहा है, रानी पिंक भी आप बोल सकते हो, पिंक कलर का कुर्ती सेट है विच इज़ पार्टी वियर। इसमें आपको थ्री पीस मिल रहे हैं, कुर्ता, प्लाजो एंड दुपट्टा। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको इसका कुर्ता। मुझे इसका कुर्ता बहुत, मतलब पूरा सेट ही ये बहुत खूबसूरत लगा। आप ये देखिए, ये आपका मटेरियल इसको आपको मिल रहा है, आर्ट सिल्क का मटेरियल है ये। आप इसका पूरा ओवरऑल लुक देखिए। अच्छा, उसके बाद जो ये आप प्रिंटिंग देख रहे हैं ना सामने, ये देखिए, ये सेल्फ प्रिंटिंग में फ्लावर प्रिंटिंग मिल रही है आपको। ये कोई अलग से प्रिंट नहीं किया हुआ, थ्रेड से ही पूरे कुर्ते पे वर्क है आगे और पीछे दोनों तरफ। 3/4 आपको इसमें स्लीव्स मिल रही हैं। स्लीव्स के एंड में इस तरीके से गोटा पट्टी की आपको डिटेलिंग मिल रही है। राउंड इसका नेक है, और ये मेन आप योक पार्ट पर देख रहे हैं, ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, पूरा एम्ब्रॉयडरी पार्ट है। पहनने के बाद स्ट्रेट फिट में है, पहनने के बाद ये कुर्ता बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके प्लाजो की, तो ये देखिए, फुल्ली इलास्टिक इसका आपको प्लाजो मिल रहा है, और प्लाजो की लेंथ फिट भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें भी आपको वही सेल्फ प्रिंटिंग का ही पैटर्न मिल रहा है, मतलब कपड़े से ही, थ्रेड से ही सेल्फ प्रिंटिंग की हुई है। तो ये है इसका प्लाजो। इसको आप किसी वाइट, क्रीम, सॉलिड कलर की कुर्तीज़ के साथ भी पेयर कर सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके बाद बात करते हैं इसके दुपट्टे की। तो ये देखिए, कॉटन में ही आपको ये दुपट्टा मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का आपको दुपट्टा मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं पिंक फैमिली जो होती है ना, पर्पल, पिंक, रानी, ऑरेंज, उसी का मल्टी कलर में, उसी पिंक फैमिली के ही कलर्स हैं सारे। और नीचे आपके दोनों साइड जो है दुपट्टे की तरफ आपको मिल रहे हैं ये थ्रेड टेसल्स। तो ये दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत सा लगा मुझे। इसको भी आप इसके अलावा भी और किसी आउटफिट पे कर सकते हो पेयर इजीली। उसके बाद बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। तो नेक्स्ट जो मेरी कुर्ती है वो है ये ग्रीन कलर में। ये देखिए आप, ये आपको अनारकली कुर्ती मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ, इसका ना घेर बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये आपको अनारकली कुर्ती मिल रही है। इसका जो मटेरियल है वो है पॉलीसिल्क। इसमें भी आपको इसका एक्चुअली जो नेक है ना वो बोट नेक आएगा, मतलब राउंड नहीं आएगा, बोट आएगा। इसमें आपको ये इस तरीके की स्लीव मिल रही हैं, ये 1/3 ही हैं। एंड इसके बाद ये आप पहले इसके देखिए आप इसका पूरा घेर, तो इसका घेर काफ़ी अच्छा है। और मेन जो इसका USP है वो है, ये देख सकते हैं आप पूरा फ्लोरल लेंथ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरी हाइट है 5.5 इंचेस, तो मुझे ये कहाँ तक आ रहा था। और ये नीचे बॉर्डर पे आपको इतना चौड़ा सा बॉर्डर मिल रहा है अलग से पैच लगा के, और उसके ऊपर जो ये आप प्रिंटिंग देख रहे हैं ना, गोल्डन कलर की जो फॉइल प्रिंटिंग है उसके ऊपर ग्लिटर्स है। और सेम आपको यही स्लीव्स पे डिज़ाइन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एक ना बेल्ट मिल रही है। और ये जो दुपट्टा है ये आपको इसमें अटैच्ड मिल रहा है, जो कि आपके ऐसे एक तरफ कंधे पे ही आएगा, और यहाँ पे जो बेल्ट है यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, सो दैट आप ये दुपट्टा जो है आगे पीछे कर सके। अच्छा, इसमें एक इशू है जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि मेरा काम रिव्यू करना है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही गलत दोनों पॉइंट्स बताऊं। तो इसमें ना ये जो फॉइल प्रिंटिंग और ग्लिटरिंग हो रखी है ना, मुझे लग रहा है कि आप जब इसे अगर मशीन वॉश करेंगे ना, या अगर आपने इसको ढंग से केयर अच्छे से वॉश नहीं किया, तो ये बहुत जल्दी ना निकल सकता है, मतलब। तो थोड़ा सा बस ये है कि आपको इसको केयर के साथ वॉश करना पड़ेगा, तो फिर ये चल जाएगा। सो ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल नहीं किया अब तक सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लीजिएगा इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।